इमरान ने ऑपरेशन रूम के मास्टर कंप्यूटर में मौजूद लॉन्ग रेंज और इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया ही था ताकि जनरल हिल्टन की फ्रीक्वेंसी उस पर एडजस्ट करके कर्नल फास्टर की उससे बात कराए। लेकिन बटन ऑन होते ही इमरान और उसके सारे साथी बेख्तियार उछल पड़े क्योंकि ट्रांसमीटर से मदाम हाफ की आवाज़ सुनाई दी थी। ये भी तो हो सकता है इंजला के इमरान और उसके साथी कर्नल आर्नल्ड को जजीरा कवाजा पर बुलवाने की बजाय इस कर्नल आर्नल्ड को जनरल बिल्टन की आवाज़ में हुक्म दे, ये तुरंत ख़त्म करा दे और हेलीकॉप्टर पर वहाँ पहुँच जाए। इस तरह तो जॉनसन के साइनाइड सुपर मेगा बम ले आने से पहले वो जजीरा कवाजा से निकल जाएंगे। मादाम हाँ बोल रही थी और उसकी आवाज़ ऑपरेशन रूम में वाजा सुनाई दे रही थी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब क्या किया जाए। हमारा तो इस जनरल हिल्टन या इस कर्नल आर्नल्ड से कोई रब्ता नहीं है। हमारा रब्ता तो रेड जीरो एजेंसी के चीफ के जरिए ही हो सकता है और इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। एक दूसरी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेख्तियार होंठ पींच लिए। इमरान ने तेज़ी से मास्टर कंप्यूटर के मुख्तलिफ बटन ऑपरेट करने शुरू कर दिए और फिर जैसे ही एक डायल पर हरकत करती हुई सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुँच कर रुकी, इमरान ने जल्दी से मास्टर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। मैं आ रहा हूं, इमरान ने मुड़कर अपने साथियों से कहा और उसके साथ ही उसने उस सर के इशारे से कैप्टन शकील को अपने साथ आने का कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता वो उस कैबिन के दरवाजे से बाहर आ गया। कैप्टन शकील उसके पीछे चलता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। कुछ फासले पर जाने के बाद इमरान ने जेब से तयशुदा नक्शा निकाला और उसे ज़मीन पर बिछा कर उसने जेब से कलम निकाल कर उस नक्शे पर एक जगह गोल दायरा लगा दिया। फिर उसने इस नक्शे को उठाया और उसकी पुश्त जो साफ थी उस पर तेज़ी से लिखना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील यहाँ जजीरे पर, चूँकि हमारी आवाज़ वहाँ सुनी जा रही है इसलिए मैं लिखकर तुम्हें बता रहा हूँ। जिस जगह मैंने दायरे का निशान लगाया है ये भी कोई टापू नामा जजीरा है और मैंने कंप्यूटर की मदद से उसकी सिमत और फासले को चेक कर लिया है। मादाम आप और उसके साथ ही वहाँ मौजूद हैं और वो हमारे जजीरे पर साइनाइड गैस बम फायर करा कर हमें ख़त्म कराना चाहते हैं। शायद उनके पास ये बम ना था, उन्होंने किसी को इसे मंगवाने के लिए भेजा होगा। तुम अपने ग्रुप के साथ मोटरबोट पर सवार होकर पहले इस टापू का रुख करो जिधर से हम यहाँ आए थे, फिर चक्कर काट कर इस मतलूबा टापू के करीब पहुँचो। गोताखोरी के लिबास और बेहोश कर देने वाली गैस की गन्ने साथ ले जाना। मोटरबोट को टापू से कुछ फासले पर जहाँ उनकी नज़र ना पहुँच सके रोक देना। एक आदमी बोट में रहेगा जबकि बाकी गोताखोरी के लिबास पहनकर समुंदर के अंदर से इस टापू पर पहुँचेंगे और वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उन सबको बेहोश कर देंगे। X10 ट्रांसमीटर साथ ले जाना, जब ये बेहोश हो जाएं तब मुझे कॉल करना, लेकिन तुमने वहीं रहना है क्योंकि लाजमन कोई ना कोई बम लेकर वहाँ आएगा, उसे भी तुमने कवर करना है, इमरान ने कलम से तेज़ी से लिखते हुए कहा और कैप्टन शकील ने जो साथ साथ पढ़ रहा था इस बात में सर हिला दिया। तो इमरान ने नक्शे को पलटकर एक बार फिर एक जगह निशान लगाया और फिर उसने उस निशान और पहले से लगे हुए निशान के दरमियान लकीर डाल दी ताकि कैप्टन शकील रास्ता और मंजिल मकसूद को अच्छी तरह चेक कर ले। ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान ने नक्शा तय करके उसे वापस जेब में डाल दिया और फिर वो दोनों वापस उसी ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गए। कैप्टन शकील ने अपने साथियों को इशारे से बुलाया और फिर वो कैबिन से बाहर चले गए। क्या हुआ है, जोलिया ने कहा। कुछ नहीं हुआ, मास्टर कंप्यूटर गर्म हो रहा है, ये ठंडा हो जाए तब इस जनरल हिल्टन को कॉल की जा सकती है और उसे ठंडा होने में एक घंटा लग जाएगा, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया। तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया, वो इमरान की बात से समझ गई थी कि इमरान असल बात नहीं करना चाहता। मेरा तुम जिस्म अकड़ गया है, मुझे तो खोलो, कर्नल फास्टर ने कहा। तुम फौजी आदमी हो, इतनी जल्दी कैसे अकड़ सकते हो, इमरान ने मुस्कराते हुए जवाब दिया और कर्नल फास्टर होन पींच कर खामोश हो गया। तुम बाहर जाओ और चेक करो कहीं यहाँ मौजूद फौजियों में से कोई भी होश में ना आ जाए। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वो सब सर हिलाते हुए कैबिन से बाहर चले गए। जबकि इमरान ने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर पर X10 की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी ताकि जब कैप्टन शकील की कॉल आए तो वो अटेंड कर सके और फिर तकरीबन पौन घंटे बाद यकलक ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई। तो इमरान ने तेज़ी से आगे बढ़कर बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, CS कॉलिंग ओवर, कैप्टन शकील कोड में बात कर रहा था। शायद उसे खतरा था कि काल कहीं माकू जजीरे पर चेक न की जा रही हो और उसकी इस बात से इमरान भी चौंक पड़ा क्योंकि उसे ख्याल आया था कि अगर वो यहां से जनरल हिल्टन को काल कराए तो ये काल भी माकू जजीरे पर सुनी जा सकती है। यस, प्रिंस अटेंडिंग यू, इमरान ने कहा। प्रिंस शिकारगाह तो शिकार से भरी हुई थी, 10 नर और 2 मादा हरन मौजूद थे जो शिकार कर लिए गए हैं।
इस दौरान एक मुर्गाबी भी उड़ती हुई वहां आ गई, उसे भी शिकार कर दिया गया है। ओवर कैप्टन शकील ने कहा। क्या ये सारे शिकार हम तक पहुंच सकता है? ओवर इमरान ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, ओवर कैप्टन शकील ने कहा। ओके लेकर आ जाओ ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर वो तेजी से केबिन से बाहर निकल गया। बहर जोलिया मौजूद थी। जोलिया अब खतरा खत्म हो गया है, अब हमारी यहाँ होने वाली गुफ्तगू वहाँ सुनी नहीं जा रही। कैप्टन शकील की कॉल आई है, उसने मादाम हाब और उसके साथियों को कवर कर लिया है। वहाँ शायद कोई हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, मैंने उन्हें कह दिया है कि वो सबको लेकर यहाँ आ जाएं। तुम सफदर और साले को कह दो कि वो ख्याल रखें, हेलीकॉप्टर उतरे तो वो उस वक्त तक ओट में रहें जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए कि आने वाले वाकई हमारे साथी हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, जोलिया ने कहा और आगे बढ़ गई, जबकि इमरान वापस कैबिन में आ गया। अब उसने ये जनरल हिल्टन वाली तजवीज जहन से निकाल दी थी, क्योंकि वाकई तवील फासले पर होने वाली कॉल माकू जजीरे पर चेक की जा सकती थी। इसलिए उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर उससे पहले के कुर्सी पर बनता हुआ कर्नल फास्टर को समझता इमरान ने ट्रैगर दबा दिया और तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही गोलियां कर्नल फास्टर के सीने में घुसती चली गईं और कर्नल फास्टर के अलग से सिर्फ एक चीख निकली और फिर उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।